मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ऑल गुड? सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट आवर क्लास. टेक आउट योर इंग्लिश बुक. एज यू नो, वी कंप्लीटेड इन आवर लास्ट क्लास, वी कंप्लीटेड लास्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर 5, एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 6. दैट इज द टाइटल इज माई चॉकलेटी जर्नी. तो जैसे चॉकलेटी, आप लोग को सबको चॉकलेट बहुत पसंद है ना, तो क्या आप लोग जानना नहीं चाहेंगे कि वो चॉकलेट बनता कैसे है, कहाँ से आता है और इतना टेस्टी कैसे वो हो जाता है, इतनी यम्मी यम्मी चॉकलेट है. तो वो चॉकलेट की एक्चुअली जर्नी कहाँ है, कैसे कैसे वो हम तक पहुँचता है और कहाँ बनता है. ठीक है, तो चलो आज इस चैप्टर में हम यही जानने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, ओपन द पेज नंबर 63 पेज नंबर ओपन करेंगे. यहाँ पास आप देख सकते हैं चैप्टर 6, माई चॉकलेटी जर्नी, मतलब मेरी जो चॉकलेट की जर्नी कैसी है उसके बारे में है. यहाँ पास एक यम्मी यम्मी चॉकलेट के नाम से एक पोयम दी हुई है. सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये पोयम पढ़ेंगे. ठीक है, स्मूथ एंड ब्राउन यम्मी यम्मी चॉकलेट, इस पोयम का टाइटल है स्मूथ एंड ब्राउन स्क्वायर एंड और राउंड. ओ आई लव कोको चॉकलेट, इट्स गुड टू ईट, मेल्ट इन द हीट. ओ इट्स फन कोको चोको चॉकलेट, बाय इट एज अ गिफ्ट, टेक इट एज अ ट्रीट. ओ इट्स ग्रेट कोको चोको चॉकलेट, इट इज फॉर द विनर, इट इज फॉर द लूजर. ओ फॉर ऑल इट्स कोको चोको चॉकलेट, यू हियर इट क्रंच एज यू बाइट एज एंड मंच. ओ इट्स यम्मी कोको चोको चॉकलेट. सो ये तो अच्छा लगा ना सुनकर ये पोयम. इसमें पोयम में कह रहा है कि मतलब स्मूथ सा, ब्राउन सा, कभी स्क्वायर शेप में तो कभी राउंड शेप में, और हम सब क्या करते हैं कोको चोको चॉकलेट को बहुत प्यार पसंद करते हैं. ये खाने में बहुत अच्छा है और गर्म पाकर पिघल जाता है. इसमें बहुत मज़े हैं कोको चोको चॉकलेट में. गिफ्ट की तरह इसको खरीद सकते हैं, दे सकते हैं और ट्रीट की तरह इसे ले सकते हैं. तो ये भी इसमें ये भी बहुत ग्रेटनेस है उसकी, अच्छी बात है चॉकलेट की. इट इज़ फॉर, ये जीतने वाले के लिए भी है, ये हारने वाले के लिए भी है, मतलब ये सभी के लिए है इस कोको चोको चॉकलेट. एंड बोला क्या आपने क्रंच सुना इसका, क्या आपने इसका क्रंच सुना, एज यू बाइट एंड मंच, जब भी आप खाते हैं मंच को करता है ना वो क्रंच क्रंच, उसकी आवाज़ आती है. बहुत यम्मी, इट्स यम्मी कोको चोको चॉकलेट. तो ये तो था हमारा चॉकलेट का, चॉकलेट रिलेटेड पोयम. तो आप इस पोयम को रिसाइट कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं. ओके, चलिए अब मूव करते हैं आगे इस चैप्टर पे जो इस चॉकलेट के बारे में लिखा हुआ है. ठीक है, सो डू यू नो चिल्ड्रन दैट दिस डिलाइटफुल यमी बार ऑफ चॉकलेट इज मेड फ्रॉम द फ्रूट ऑफ ककाउ, प्रोनंसिएट एज ककाउ, रिमेंबर. ओके, ये लिखा है ट्रीज. बोल रहा है कि बच्चों क्या आप जानते हो इतना यम्मी सा खुशबू, मतलब हम लोग को सबको मन मोहने वाला जो चॉकलेट है वो किससे, ककाउ पेड़ के फल से बनता है. किससे बनता है, ककाउ पेड़ के फल से बनता है. दी ककाउ ट्रीज ग्रोज डीप इन दी टिपिकल जंगल्स ऑल अराउंड दी वर्ल्ड, फ्रॉम ब्राजील टू इंडोनेशिया टू दी उयोरी कोस्ट एंड घाना. क्या बोले, जो ककाओ के पेड़ हैं, ककाओ एक पेड़ का नाम है, वो कहाँ है, बहुत घने और जहाँ बहुत गर्मी वाली जगह होती है, ऐसे घने जंगलों के बीचों बीच में पूरी दुनिया में उगते हैं. कहाँ से कहाँ, ब्राजील एक कंट्री का नाम है, ब्राजील में उससे लेकर के इंडोनेशिया तक इवोरी कोस्ट, मतलब इवोरी के तटीय क्षेत्र से लेकर घाना तक, ये सब जगहों के नाम है. यहाँ सब जगह क्या होता है, चॉकलेट कि ये जो काकाओ ट्रीज है ना ये उगते हैं. द फर्स्ट पीपल टू मेक यूज ऑफ द ककाओ बीन्स वर द मायंस एंड एंशियंट पीपल हु लिव्ड इन साउथ अमेरिका मेनी सेंचुरीज अगो. पहला देखो, जो पहला आदमी जिसने इस ककाओ के जो बीज हैं, ककाओ के बीन्स हैं, उसको जिसने यूज़ किया था उसका नाम था मायंस. क्या था वो, कौन था वो, मायंस था जिन्होंने, बहुत ही पुराने आदमी थे मायंस. मायंस एक ग्रुप का नाम है जो अमेरिका में रहते हैं.
मतलब जैसे कबीला होता है ना, वैसा कोई मैन मैन कबीले का नाम है उसमें ना, जो लोग वो कौन थे, पुराने जमाने के लोग थे जो कहाँ साउथ अमेरिका के में बहुत सेंचुरी बहुत सदियों पहले साउथ अमेरिका में रहते थे, साउथ अमेरिका के जंगलों में रहते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम आगे थोड़ी सी और स्टोरीज की जानकारी लेने के बाद इसके बनने का प्रोसेस हम पढ़ेंगे। ठीक है, द वर्ल्ड चॉकलेट कम्स फ्रॉम द मियान वर्ल्ड चॉकलेट चॉकलेट विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ द टर्म्स चोको विच मीन्स फोम एंड एटल विच मीन्स वाटर। तो क्या बोल रहा है, जो वर्ड है ना, जो वर्ड चॉकलेट वर्ड है वो कैसे बना, जो मियान कबीले वाले थे उन्होंने जोको जोकोटल जोकोटल नाम दिया था इसको, क्या नाम दिया था, जोकोटल, जिसका जो किसका कॉम्बिनेशन है, चोको और एटल का कॉम्बिनेशन है, दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। और इसका मतलब होता है, चोको का मतलब होता है फोम, फोम फवारा मतलब जो झाग निकलता है ना, झाग होता है, चोको का मतलब झाग होता है और एटल का मतलब होता है वो पानी, झाग और पानी से मिलकर ऐसा उन्होंने नाम दिया था, क्या नाम दिया था, जोकोल्टल जोकोल्टल जोकोल्टल। ठीक है, अर्लियर चॉकलेट वॉज टेकन ओनली एज अ ड्रिंक, पहले चॉकलेट को केवल ड्रिंक बना के पिया जाता, जैसे हम लोग कोका कोला पेप्सी है ना लिमका वगैरह पीते हैं, उस टाइप से वो चॉकलेट का ड्रिंक बन के केवल पिया जाता था, ऐसे चॉकलेट खाया नहीं जाता था। लेट अस एम्बार्क अपॉन अ चॉकलेटी जर्नी, देखिए बेटा जैसे कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ, कोई भी वर्ड्स जो आपको नहीं समझ में आते, जो आपको लगता है कि आपने कभी पहले नहीं पढ़े, जिसकी मीनिंग आपको नहीं पता, उसको अंडरलाइन करके उसकी मीनिंग डिक्शनरी से सर्च करके आप उसके नीचे लिख लें, ताकि आपको इसको लर्न करने में पढ़ने में काफ़ी मदद मिले। ठीक है, तो चलिए लेट अस एम्बार्क अपॉन अ चॉकलेटी जर्नी एंड सी हाउ चॉकलेट इज मेड इन द फैक्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या शुरू करते हैं, चॉकलेटी जर्नी को, चॉकलेट की जर्नी को देखते हैं कि कैसे चॉकलेट फैक्ट्रीज में बनता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग यहाँ पर ब्रैकेट आप लोग यहाँ स्क्वायर स्क्वायर से आपके बॉक्सेस में देख रहे हैं, अलग अलग लिखा है विथ पिक्चर लिखा हुआ है कि कैसे कैसे चॉकलेट की जर्नी आगे बढ़ी। ठीक है, बॉर्न इन दी जंगल, जंगल में पैदा हुआ, क्या क्या पैदा, कैसे पैदा हुआ, दी ककाओ ट्री ग्रोज डीप इन साइड दी ट्रॉपिकल जंगल, जहाँ बहुत गर्मी रहती है ना ऐसे जंगलों में ककाओ ट्री उगते हैं, घने जंगलों में के बीचों बीच में ककाओ ट्री, ककाओ पेड़ का नाम है, उसके पेड़ उगते हैं घने जंगलों में जहाँ बहुत गर्मी होती है। When the cacao tree is about 5 years old, it begins to flower. जब ककाओ ट्री लगभग कितना साल का हो जाता है, 5 साल का हो जाता है, तो वो क्या करता है, फूल, उसमें फूल खिलने लगते हैं। The flowers produce bright melon like fruit along the ट्री ट्रंक एंड ब्रांचेस, तो जो फूल है ना वो क्या हो जाती है, किसमें कन्वर्ट होते हैं, फूल से क्या बनते हैं, चमकीले रंग के, चमकीले कलर के, क्या मेलन्स बनते, खरबूजे की तरह की आकृति के फ्रूट बनते हैं, और जो पूरे ट्रंक के, ट्रंक में मतलब पेड़ के पूरे तने में लटके हुए रहते हैं, और उसकी पूरी ब्रांचेस में, देखिए जैसे आप पेड़ में देख सकते हैं ना पूरी लटके हुए हैं, जैसे कि हम लोग कटहल होता है ना, जैक फ्रूट है ना, कटहल को आप लोगों ने देखा होगा, कटहल ऐसे लगा रहता है ना ट्रंक में, वैसे ही क्या ये पूरे ब्रांचेस है उसमें लगे हुए होते हैं। दीज आर कॉल्ड पोड्स, ये क्या, इसको कहते हैं फली कहते हैं, फल, जैसे कि हमारे मटर की फली नहीं होती, वैसे ही खरबूजे की आकृति के फल लगे होते हैं, इसे फली कहते हैं, पोड्स कहते हैं, है ना। आगे मूव करते हैं, ये देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इनसाइड ईच पोड आर अबाउट 20-40 ककाओ बीन्स, हर एक पोड के अंदर, जो फली के अंदर कितना होते हैं, 20-40 ककाओ के बीन्स होते हैं, ककाओ के बीज होते हैं। It is these beans that are the source of chocolate. ये वही beans हैं, वही फल हैं, बीज वह हैं जो कि chocolate का, chocolate बनने, जिनसे chocolate बनता है या chocolate के स्रोत हैं। Farmers use a macete to cut the ripe pods
ripe pods from the tree and gather them into a basket. जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, मसाडी में सब कुल्हाड़ा होता है, बड़ा कुल्हाड़ा होता है जिसे काटते हैं, काटने का टूल्स होता है, कुल्हाड़े से क्या करते हैं पके हुए उन फलियों को काटते हैं, पेड़ से काटते हैं और इकट्ठा बास्केट में इकट्ठा करते हैं. आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ. नेक्स्ट द फार्मर स्लिट अपॉन द पोर्स विद द मैसेडी एंड स्कूप आउट द पल्प कवर्ड कोकाओ सीड्स और बीन्स. उसके बाद फार्मर्स क्या करते हैं, ये जो उसको बिखेर देते क्या करते हैं, पोर्ट्स को फलियों को फोड़कर क्या करते हैं, फोड़ते हैं और उस कुल्हाड़े से क्या करते हैं, फोड़ दे हैं और उसकी जो फलियों का उसको खरोच कर, फलियों के अंदर से खरोच कर जो पल्प से क्या मतलब जो गुदे से भरा हुआ काकाओ के बीज जो या बीन्स जिनको कहते हैं उसको निकाल लेते हैं. मतलब पहले देखो फलों को काट कर लाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, तो फार्मर्स क्या करते हैं मैसेडी मतलब अपने हथौड़े कुल्हाड़े से क्या करती हैं, क्या करते हैं फार्मर्स उसमें क्या करते हैं, उसको खरीद कर उन बीन्स को और सीड को बीजों को निकाल देते हैं. आगे मूव करते हैं, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है. आगे यहाँ पर लिखा है द बीन्स आर प्लेस्ड इन अ लार्ज हीप्स एंड फार्मर कवर देम विद बनाना लीव्स एंड अलाउ देम टू फर्मेंट. जो बीज है उसको क्या करते हैं, एक ढेर में जो किसान है उसको इकट्ठे ढेर लगा देते हैं, एक बड़े ढेर में रख देते हैं और उसके ऊपर क्या करते हैं केले के पत्तों से ढक देते हैं और छोड़ देते हैं फर्मेंट होने के लिए. फर्मेंट होना मतलब एक तरह से सूखना या सड़ना या उसको वो होने देना, फर्मेंट करना, ठीक है. तो एक तरह का सड़ाना ही फर्मेंट कहलाना है. फर्मेंटेशन ऑफ दीज बीन्स टेक्स अबाउट अ वीक. इसके सड़ने मतलब सूखने में जो हल्का सा जो उसका का जो नमी है उसको दूर होने में लगभग कितना दिन लग जाता है, लगभग एक हफ्ते लग जाते हैं. ड्यूरिंग दिस टाइम द पल्प अराउंड द काकाओ सीड हीट अप नेचुरली क्योजिंग द रिच काकाओ फ्लेवर एंड टू डेवलप. इस टाइम में जो एक हफ्ते का टाइम होता है जो पल्प होता है ना बीन्स का वो क्या होता है अब नेचुरली गर्म होता है और क्या होता है एक अच्छा सा फ्लेवर आता है जो चॉकलेट का फ्लेवर है उसी पे बनता है. द शेल हार्डन एंड द बीन्स बिकम डार्क. और जो उसकी ऊपर की कवरिंग रहती है ना शेल होती है जो बीजों के ऊपर की जो पल्प के ऊपर में रहती है उसको ना वो टाइट हो जाता है और ये जो बीन्स है जो जो मतलब फल है जो जिनको दाले या बीन्स कहते हैं वो क्या बन जाते हैं डार्क हो जाते हैं, गहरे रंग के हो जाते हैं. उसके बाद क्या किया जाता है फार्मर्स ड्राई दिस फर्मेंटेड बीन्स आउट इन द सन. अब इसके बाद ये जो किसान होते हैं इस फर्मेंटेड मतलब सड़े हुए थोड़े से मुरझाए हुए जिनको मुरझाना कह सकते हैं उन बीन्स को सूर्य की धूप में सुखा देते हैं. दे स्प्रीड दीज बीन्स ऑन लार्ज मैट्स ऑन द रूफ टॉप. छत पर वो क्या करते हैं इन बीन्स को चटाइयों में बड़े बड़े चटाइयों में फैला देते हैं. ड्राइंग कीप्स द सीड्स फ्रॉम गेटिंग मोल्डी ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन. सूखे हुए जो सूखने की वजह से जो बीजों में क्या होता है मोल्डी फंगस लगते हैं. मोल्डी मतलब होता है जो फफूंद सा लग जाता है ना वे उससे बच जाते हैं. जब हम ट्रांसपोर्ट किया जाता है ना तो उन सुखाने की वजह से जो उसमें फफूंद है वो फफूंद नहीं लगता. आफ्टर ड्राइंग द बीन्स आर रेडी टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द चॉकलेट फैक्ट्री. सुखाने के बाद इन जो ये बीन्स हैं जो बीज हैं उनको क्या किया जाता है भेजा जाता है ट्रांसपोर्ट किया जाता है फैक्ट्री में भेज दिया जाता है. तो बेटा आपको जो जो वर्ड्स हैं टफ लग रहे होंगे उन्हें क्या करते जाएंगे आप अंडरलाइन करके उन्हें अंडरलाइन करते जाएंगे और उनके नीचे उनकी मीनिंग लिखते जाएंगे, ठीक है. स्टूडेंट्स विल कंटिन्यू इन आर नेक्स्ट क्लास सॉरी विल कंटिन्यू इन आर नेक्स्ट वीडियो. ओके.